देख सकते हैं जिस तरह से ये सड़कें हिचकोले खा रही है और हम भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इसी सड़क से होकर रोज़ यहाँ हजारों लोग गुजरते हैं और किस तरह से गड्ढों से उनको दो चार होना और देख सकते हैं कि हम भी यहाँ पर गिरते गिरते बचे हैं। और ये जो टोटो है ये पलट रहा था और बड़ी मुश्किल से हम लोग बच सके हैं। हमेशा सर ऐसे होती है। अच्छा, खाली गाड़ी होती है तो संभाल के लेके आते हैं, लेकिन आपके सामने हुआ है ना, देखिए ना, कभी कभी लोडिंग पलट भी आती है गाड़ी, अक्सर संभाल के चलाना पड़ता है। देखिए और थोड़ी ये दुनिया का हम आपके साथ स्वयं घटना हम लोग देखे तो इस बात में हद्दी आ गया हम लोगों को कि देखिए जो आदमी सर्वे कर रहा है उनके साथ स्वयं घटना ये घट गया। और हम लोग कितनी बार कंप्लेन किया गया है कि इस एरिया में ना पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कहीं भी सरकारी पानी पीने के भी व्यवस्था नहीं है। कहते हैं विकास का सफर सड़कों से होकर तय होता है और इसी बात को जानने परखने के लिए इस समय वाराणसी के कैंट इलाके के मालगोदाम रोड पर हम पहुँचे हैं। देख सकते हैं जिस तरह से ये सड़कें हिचकोले खा रही है और हम भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इसी सड़क से होकर रोज़ यहाँ हजारों लोग गुजरते हैं और किस तरह से गड्ढों से उनको दो चार होना और देख सकते हैं कि हम भी यहाँ पर गिरते गिरते बचे हैं। और ये जो टोटो है ये पलट रहा था और बड़ी मुश्किल से हम लोग बच सके हैं। और ये टोटो वाले भी हैं, इनसे भी जानते हैं, ये देखिए किस तरह से लोग गिरते हैं, आप खुद ये बात समझिए। इनसे कहेंगे कि पहले इसको यहाँ से आप निकालिए और फिर इसमें सवार होते हैं। किस तरह से टोटो गिरी है और जिस तरह से हम गिरते हैं, हम यहाँ पर गिरे हैं, उसी तरह से लोग भी यहाँ पे गिरते चले आ रहे हैं। लगभग 4 सालों से ये सिलसिला, जब बारिश होती है तब यहाँ से लोग गुजरते चले आ रहे हैं और इसी तरह की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है लोगों को। अब ये यहाँ के ड्राइवर हैं जो लोग यहाँ रोज़ चला करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर जो समस्या हो रही है वो कैसे इनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्या रोज़ ऐसी दिक्कत आती है या क्या। जी नाम बताइए अपना। रोशन गुप्ता जी। रोशन गुप्ता, ये बताइए रोशन जी कि क्या आपको ये जो अभी दुर्घटना हुई है, हाँ, वो क्या हमेशा ऐसे होती है? हमेशा सर ऐसे होती है। अच्छा, खाली गाड़ी होती है तो संभाल के लेके आते हैं, लेकिन आपके सामने हुआ है ना, देखिए ना, कभी कभी लोडिंग पलट भी आती है गाड़ी, अक्सर संभाल के चलाना पड़ता है, तो रिक्शी है। अच्छा, तो ये कब से ऐसा होता चला आ रहा है? जब से ये रोड खराब हुआ है। हाँ, जब से ये रोड खराब हुआ है। हाँ, हाँ। गड्ढे में ये क्या कि डिस्पेलिंग होगा तो पलटेगा ही गाड़ी। तो इसको लेके आप लोग कभी शिकायत किए हैं कहीं? किससे शिकायत करेंगे, यहाँ रेलवे के DRM और सब लोग आते जाते हैं, अधिकारी आने जाते हैं, देखते हैं तब भी कुछ नहीं होता है। वैसे ही है। थोड़ा सा आगे चलिए तो हम जरा लोगों से भी बात करेंगे उतर के कि यहाँ पर जो क्षेत्रीय लोग हैं, इलाके के लोग हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, उतरने वाली जगह पे उतरते हैं और फिर जानते हैं इलाके के लोगों से कि आखिर ये जो हम लोग के साथ अभी हुआ है ये क्या तमाम लोगों के साथ भी यूं ही होता चला आता है और किस तरह से यहाँ के राहगीर इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। जिस तरह से अभी ये घटना हमारे साथ घटी है, हम लोग भी लगभग गिर ही पड़े थे और बड़ी मुश्किल से बच सके हैं, तो क्या उसी तरह की चीज़ यहाँ हमेशा होती चली आ रही सबके साथ? ये सर आप जानते, यदि महिलाएं होती तो आज टोटो के नीचे दबी होती, बच्चे होते तो टोटो के नीचे दबे होते। ये तो आप सूझबूझ से ये तो देख के चल रहे थे कि ये टोटो पलट न जाए, जो आता ये नहीं समझ जाता ये टोटो पलटेगा, लेकिन आप तो सर्वे कर रहे थे, आपके नॉलेज में था ये टोटो पलट सकता है, इसलिए अपना दिमाग का केंद्र बनाए थे कि हम कहीं गिरे, उसकी तरफ था ध्यान, उसी तरफ था, इसलिए आप पैर लगा लिए बच गए। आए दिन महिलाएं बच्चे रोज दबते हैं, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, लेकिन किसी को ट्रेन पकड़ना है तो भागता है, इसलिए भागता है कि हमें ट्रेन पकड़ना है, इसलिए दिखवा शिकायत नहीं करता है। कल की बात घटना हम अपने आँख से देखे, महिला पूरी लथपथ हो गई, गिरी पड़ी हुई थी, उसके बाद इसी सड़क के नीचे अपना वस्त्र बदली, उसके पति भी थे, वस्त्र बदले अपना, फिर उसके बाद बच्चा रो रहा था, 1 घंटा तक उसका बच्चा रोया, कम से कम 4-5 बरस का था, मतलब मान ही नहीं रहा था, मतलब अंदर उसके अंदर हादसा हो गया, जिसे हादसे की वजह से वो बोल ही नहीं रहा था कुछ, इतना बुरा घटना हम अपने आँख से देखे। और
छोड़िए दुनिया का, हम आपके साथ स्वयं घटना हम लोग देखे तो इस बात पे हंसी आ गया हम लोगों को कि देखिए जो आदमी सर्वे कर रहा है उनके साथ स्वयं घटना ये घट गया। आए दिन जी पब्लिक के ऊपर हो रहा तो देखिए वो तो एक अनभिज्ञ की बात है, लेकिन आपके साथ जो घटना हुआ तो हम लोगों ने इसको ज़मीन पर उतर के इसलिए जानने की ज़रूरत समझी क्योंकि क्या यह सावधानी बरतने के बावजूद क्या यह घटना हो सकती है, इस चीज़ को परखने के लिए शायद ही कोई मीडिया आई हो, शायद ही इस तरह से निरीक्षण कोई नहीं है। इन्होंने इस तरह का कोई भी जैसे आप सर्वे कर रहे हैं इस तरह का कोई भी जैसे आपने सर्वे किया इस तरह का आज तक कोई मीडिया वाले उतरे भी नहीं ना किए, और जिस हिसाब से आपने घटना को अंजाम भी बच गए नहीं, अंजाम तो हो ही जाता, वो तो सूझबूझ आपका अच्छा था कि आपका पैर बच गया या आप टोटो के नीचे दबने से बच गए, ये तो बहुत ही सौभाग्य आपका था कि आप बचे। हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो इलाका है केंद्र बिंदु हो गया है इस पूरे क्षेत्र में, जो भी रास्ता है आने जाने का मार्ग है वो क्या लग रहा है, दुर्घटना क्यों हो रही है आखिर? ये कभी इस रोड पे कभी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये कम से कम ये जो 2017 में जब पुल गिना था तो एकाएक इस रास्ता को रातों रात बनाया गया प्रशासन द्वारा कि प्रशासन का यहाँ पे कोई शिकायत ना हो, लेकिन उसके बाद 2017 के बाद पुल गिरने के बाद आज तक इस रोड पे कभी कोई निर्माण नहीं हुआ, ना तो यहाँ पानी निकलने का कोई साधन है कि जिसे, और यहाँ पानी लगते हैं जिससे रोड ख़राब हो जाती है। ऐसे कई दुर्घटना हो चुके हैं, बहुत लोग का पैर भी फ्रैक्चर हो गया है इस गड्ढे में पड़ कर, आप लोग देखे ही होंगे या बहुत ऐसी भी है। ये बताइए कि ये इसकी वजह क्या है, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, क्यों पानी लग रहा है? इसका कारण ये है कि यहाँ से पानी निकासी नहीं है, और हम लोग कितनी बार कंप्लेन किया गया है कि इस एरिया में ना पानी की, पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कहीं भी सरकारी पानी पीने के भी व्यवस्था नहीं है, और हमने इसका किया गया है तो सरकार कहती है कि ये बॉर्डर है, नगर निगम कहता है ये बॉर्डर है, और टैक्स लेने के लिए लोग आ जाते हैं और टैक्स भी दिया जाता है, जनता मजबूरी है सब टैक्स देवे करेगी कहाँ जाएगी, लेकिन टैक्स देती है, ये कहते हैं कि ये रेलवे का रास्ता है और नगर निगम कहता है ये हमारा नहीं है, आखिर जब दो झगड़े में नहीं फंसा हुआ है, नगर निगम तो टैक्स लेती है टैक्स की रसीद, रास्ता है किसका, ये आधे वहाँ तक नगर निगम की है PWD की, उसके बाद उसका है रेलवे का है, जहाँ ये गड्ढा है जहाँ मेन समस्या ये नगर निगम की है, लेकिन नगर निगम जब काम करना होता है तो इस बात को स्वीकारती है, इसको स्वीकारती नहीं है। तो और भी हमारे साथ क्षेत्र के लोग हैं, इनसे जानते हैं, जानते हैं तमाम लोगों से कि आखिर ये आधा अधूरा काम क्यों हुआ है, क्यों आखिर इस जो इसके पहले दिखाना चाहेंगे कि ये इधर से जो सीवर लाइन है ये जब, इनका ये भी कहना है कि जब भी यहाँ बारिश होती है तो ये पूरी तरह से ओवरफ्लो हो जाता है, जो सीवर लाइन देख सकते हैं जो नाला हमारे ठीक सामने है, और ये चूँकि आगे जाकर कहीं मिला नहीं है इसकी वजह से ओवरफ्लो होने के चलते जो पानी आता है, साथ ही साथ जो बारिश का पानी होता है उसकी वजह से जितने यहाँ पे गड्ढे होते चले आ रहे हैं वो भर जाते हैं, और हर साल बारिश के मौसम में ये समस्या होती है। जी अपना नाम बताइए। ब्रजेश यादव। यादव जी क्या कभी इसकी शिकायत वगैरह आप लोगों ने की है किसी से? सर हमने पार्षद से भी शिकायत किया, नगर निगम में भी शिकायत गया, ऑनलाइन शिकायत भी हम लोगों ने किया अनिल यादव जी ने, और जो है नगर निगम से लोग आए भी 3 बार, तो उन्होंने ऐसे ही लिख पढ़ के भेज दिया लखनऊ कि हो गया उसका निस्तारण, लेकिन 4थी बार जब हम लोगों ने ऑनलाइन कंप्लेन किया तो यहाँ पर आकर बोलते हैं कि यहाँ झाड़ू मारने का हमारा काम है, टैक्स वसूलना हमारा काम है, और नाले से हमसे कोई संपर्क नहीं है, इसे आप जाइए PWD से समझिए या जो यहाँ रोड बनाए हैं नाला बनाए हैं उनसे समझिए। किसने बनाया है सर? ये तो विभाग जानेगा, अब हम विभाग को खोजते फिरेंगे तो हम अपना घर चलाएंगे कि विभाग को खोजेंगे? ये बताइए ये सड़क किसने बनवाया है? ये रेल ने बनवाया, जब पुल ये गिरा था तो रेल के जितना भी अधिकारी आते जाते थे तो इसी रोड से आना जाना था, तो ये रातों रात बना, मतलब टेंडर तो पहले ही हो गया था बहुत, लेकिन अटेंडम मतलब पुल मिला के 24 घंटे के अंदर ये रोड बनके तैयार हो गया। 2017 में पुल गिरी थी, पूरा रोड बनके तैयार हो गया, रात भर में टेम्परेरी पुल बना दिया गया, ये पूरा रोड से शुरू हो गया, मतलब एक सुगम रास्ता हो सके उसके लिए ये एक अतिरिक्त रास्ता तो पहले से ही था, रेलवे का जितना मालवाहक गाड़ियां जाती आती थी इसी रोड से आती थी, लेकिन इतना गड्ढा होने के पब्लिक प्लेस, रेलवे में इसकी शिकायत की आप लोगों ने? बहुत 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 हुआ रेलवे में,
रेल में इतना शिकायत हुआ है, मतलब काफी के काफी भर गया है, लेकिन जब यहाँ से रेल खत्म हो गया लोगों का एकदम शिकायत करना बंद हो गया। जब 17 में पुल गिरा तो रेल अपने आप बना दी। ये बताइए कि योगी जी तो कई बार दावा किए हैं कि जो गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, और अभी भी 15 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया अधिकारियों को, क्या कुछ उस पर उसके बाद कार्रवाई हुई इतने समय? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, गड्ढा मुक्त कभी नहीं हुआ है, ये शुरू से पड़ा करीब 4-5 साल से पड़ा हुआ, मुक्त नहीं हुआ है गड्ढा। तो योगी सरकार के तमाम दावे जो पहले भी हुए और अभी फिर एक बार अल्टीमेटम 15 अक्टूबर का दिया गया है, उसके बावजूद क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि उनके इलाके में इस सड़क को गड्ढा मुक्त करने के लिए किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आज इस पूरी तस्वीर को दिखाने के लिए हम खुद मौके पर आए और खुद एक हादसे का शिकार होते होते बचे, ताकि अधिकारियों तक जो सच की आवाज़ है और उनकी लापरवाही बरती जा रही है उसकी तस्वीर सामने आ सके। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।